हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल इंग्लिश वाला के 1K कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत सारा कंग्रेचुलेशन पहले ही कमेंट बॉक्स में हमें दे चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से, आप लोगों की ही वजह से हुआ है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है। फिर से वंस अगेन थैंक यू। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है कुछ बहुत ही बेसिक वोकैबुलरी, मींस हैंड मूवमेंट्स, मतलब हाथों से हम जितनी भी काम करते हैं ना, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स करते हैं, आज की क्लास में हम वो वोकैब्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ताली बजाना। ताली बजाना हैंड से ही किया जाता है, ताली बजाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लैप, ठीक है, ताली बजाना। नेक्स्ट है चूटी काटना। चूटी काटना तो सभी को पता होता है, किसी का इस तरीके से हाथ में एकदम से, मतलब जिसे नोचना भी बोलते हैं, चूटी काटना, उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं पिंच। पिंच दैट मीन्स चूटी काटना, क्लियर। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। चुटकी बजाना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप, मीन्स चुटकी बजाना। नेक्स्ट है हमारा थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना तो आप सभी को पता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैप, थप्पड़ मारना। नेक्स्ट है हवा में ताली मारना। हवा में ताली मारना मतलब किसी दूसरे की, जैसे बोलते हैं ना सबासी के लिए हवा में ताली मारना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई फाइव, मीन्स हवा में ताली बजाना। नेक्स्ट है हमारा हाथ हिलाना। नॉर्मल हाथ हिलाना, उसके लिए हम यूज करते हैं वेव, मीन्स हाथ हिलाना, क्लियर। नेक्स्ट है सहलाना। सहलाना जैसे किसी की पहले मतलब थप्पड़ लग गया हो, फिर उसको प्यार से सहलाना, कई बार चोट लगी है उसको धीरे से इस तरीके से करना, सहलाना, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक, मीन्स सहलाना, क्लियर। नेक्स्ट है संकेत करना। किसी की तरफ मतलब बताना, इशारा करना, संकेत करना, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट, संकेत करना, क्लियर। नेक्स्ट है दबाना। किसी चीज को दबाना, दबाना दैट मीन्स प्रेस करना, प्रेस, दबाना, क्लियर। नेक्स्ट है खुजलाना, मींस खुजली करना, खुजली करना, खुजलाना, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं स्क्रैच, खुजलाना, क्लियर। नेक्स्ट है झटके से मारना। अचानक से झटके से मारना, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं फ्लिक, फ्लिक मींस झटके से मारना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ हैंड मूवमेंट जो हम अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी ये छोटी सी और बेसिक सी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।